हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हाईकोर्ट जुडिशरी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आज हुआ है, पहले सेशन में मॉर्निंग में ये उसका पेपर है। मैं पहले 50 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश के अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाकी के और भी करूँगा अभी। तो देखिए, पहला, भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं बी सुनील अरोड़ा। दूसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है डी प्रयागराज। भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो सी शक्तिकांत दास। 2018 में एमसी मैरी काम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया, तो छठा बी इसका आंसर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका आंसर है सी श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट, अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये थे सी अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह ए IRCTC एयर। निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? तो यह है रिलायंस सी। नेक्स्ट, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपके हॉकी से संबंधित ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो यह है डी भेड़। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि सी आंसर हुआ। पत्ते की पहचान कीजिए, तो ये पत्ता केले का पत्ता, बरगद का पत्ता, नारियल का पत्ता, ये किसी का नहीं लग रहा है, तो इसमें से आंसर होगा डी। 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? तो जीता था सी चेन्नई सुपर किंग्स ने। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है सी आगरा में स्थित है। बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर हुआ डी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। USA की मुद्रा US है, तो USA की मुद्रा US है डॉलर, बी आंसर। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं, तो यहाँ आंसर है सी बिलियर्ड्स। भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा स्थित है, स्टेचू ऑफ यूनिटी? तो यह है बी गुजरात में। बीसवां, देखिए, एक लीप वर्ष में फरवरी में होते हैं, तो लीप वर्ष में पूरे 366 दिन होते हैं, तो वही फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, यानी सी 29 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है जो जल में रहता है? तो इसका आंसर है बी मछली। भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई है? तो इनमें से कोई नहीं, आमिर खान ने निभाई, अक्षय कुमार ने निभाई है, डी इनमें से कोई नहीं। विश्वनाथन आनंद एक भारतीय हैं, सी शतरंज खिलाड़ी। नेपाल की राजधानी है सी काठमांडू। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी है बृहस्पति। अब देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ टू कंप्लीट द सिमिली, मतलब सिमिलर रूप वाला समरूप। एज डैश एज अ टॉर्टाइज, तो एज स्लो ए, इसका आंसर है ए। 27 नंबर, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड, तो इससे बन रहा है आपका बॉटल, BOTTLE, यानी कि इसका आंसर हुआ डी। 28, I always प्ले हॉकी इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई प्ले टेनिस, यानी कि ए। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस, माई ब्रदर इज अनवेल, तो ब्रदर की जगह हो जाएगा
चेंज हो जाएगा तो डी हो जाएगा, माई सिस्टर इज अनवेल। देखिए तीसवा क्वेश्चन, चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इसका आंसर होगा ए एन एप्पल। 31, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें है ए करेक्शन की स्पेलिंग सही है। 32, चूज द करेक्ट वर्ब वी टू द पार्क ऑन संडे, तो वी सी होगा इसका आंसर, गो टू पार्क ऑन संडेज। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड वीक, वीक माने कमजोर, तो इसका हो जाएगा बी स्ट्रांग। 34, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन, प्लीज गिव मी ए। अब 35 क्वेश्चन देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम, सी ए आई एम, इसका आंसर हुआ सी। 36, विच ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन सिंबल्स, पंक्चुएशन सिंबल्स किस करेक्ट किस में, तो यह है बी में, भुवन ऑलवेज इंजॉयड स्वीट्स पेटीज मार्शमेलोज एंड चॉकलेट केक्स, इसका आंसर हुआ बी। कंप्लीट द एनोलॉजी, डॉग कैनाइन तो कैट फेलाइन, इसका आंसर हुआ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडियम इज रॉन्गली कोटेड, कौन मुहावरा गलत है, तो इसका आंसर है डी एडिंग इंजरी टू इंसल्ट, डी। 39 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज क्वाइट क्लियर दैट द दैट वॉज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल, तो इट इज क्वाइट क्लियर, तो इसका आंसर हुआ बी। 40, इन द क्वेश्चन गिवन बिलू चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, तो इसका आंसर हुआ ए आइलैंड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड न्यूमरस, न्यूमरस मतलब असंख्य, तो ग्रेट इन नंबर। Which of the given option is not an opposite for the word wise? Wise के लिए opposite नहीं है, तो wise माने बुद्धिमान, तो इसका clever होगा, ये opposite नहीं है और सब opposite है, यानी B। 43, read the given statement carefully and choose the correct tense, he loved pasta, तो ये हुआ simple past, D। Which of these words is not an adjective? तो इसका आंसर हुआ ए अचीव। मैच द वर्ब विथ सुटेबल नाउंस, तो इसमें देखिए इसका आंसर है डी, राइट का पेंसिल, कट का वेजिटेबल, स्वीप का ब्रूम, रीड का बुक, फ्लाई का एयरप्लेन, तो इसका आंसर हुआ डी। छियालीस, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, रमेश इज टू बनानाज, बी। 47, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंसेस, द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 डैश फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले ऑन, 30 पियानोज, इसका आंसर हुआ सी। Identify the interjection from the following sentences, ये P, I made this picture all by myself, तो इसका आंसर हुआ D, ये P। Complete the sentence with appropriate preposition, he went to, B। 50, choose the correct meaning of the word accuracy, एक्यूरेसी, तो इसका वो आंसर सी, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज। तो इसके आगे अब 50 क्वेश्चन और मैं बनाऊंगा अभी।